अरे जाती है तो जाने भाई, सुबह सुबह करके डरा मत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप जोशी, तारक मेहता खमता चश्मा का आपका प्यारा सा जेठालाल, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radiouran.com। सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल RADIO UDAAN। स्टे ट्यून्ड, कीप लिसनिंग रेडियो उड़ान। जाती है तो जाने भाई, सुबह सुबह करके डरा मत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप जोशी, तारक मेहता खमता चश्मा का आपका प्यारा सा जेठालाल, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radiouran.com। सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल RADIO UDAAN। स्टे ट्यून्ड, कीप लिसनिंग रेडियो उड़ान। वेलकम, नमस्कार, मैं मनीष अग्रवाल स्वागत करता हूं आपका लाइव गोज़ ऑन के एक नए एपिसोड में, ओनली ऑन रेडियो उड़ान। हम मिलवा रहे हैं आपको ऐसे जबातों से जो आरपी जैसी खतरनाक बीमारी से जंग लड़ रहे हैं और अपनी जिंदगी को हंसी खुशी जी रहे हैं। पिछली बार हमने मिलवाया था आपको क्रांति जी से, इस बार हम मिलवा रहे हैं आपको फरीदाबाद के देवेश गर्ग जी से, जो फिलहाल बैंक में जॉब करते हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचने की उनकी एक लंबी कहानी है। उन्होंने बहुत मुश्किलों का सामना किया है क्योंकि आरपी डिजीज ही ऐसी है, जैसा कि मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था, आरपी की कोई सीमा नहीं, कोई उम्र नहीं। उसी वजह से देवेश जी को आरपी का सामना बचपन से ही करना पड़ा। उनको आरपी के सिम्टम बहुत पहले आने लगे, जिनसे उनका बचपन वैसा नहीं रहा जैसा होना चाहिए था, और उसी कारण उन्हें अपनी ज़िंदगी में बहुत दुख झेलने पड़े, क्योंकि वो उम्र ही ऐसी थी जिस उम्र में बच्चे खेलते हैं, हंसते हैं, ये उस उम्र में डिप्रेशन में चले गए और अपनी ज़िंदगी को एक किस्म से इन्होंने ख़त्म ही समझ लिया था। फिर ऐसा इन्हें क्या मिला जिससे ये डिप्रेशन से बाहर आए और अपनी ज़िंदगी को फिर से पटरी पर लेकर आए। आज ये अपने वही एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करेंगे ताकि सुनने वालों को भी इससे कुछ प्रेरणा मिले और उन्हें जीने का हौसला मिले। तो आइए स्वागत करते हैं देवेश जी का। नमस्कार सभी लिसनर्स को, मैं देवेश फरीदाबाद से, शो में बुलाने के लिए धन्यवाद मनीष जी का और सभी लिसनर्स का जो इस प्रोग्राम को बहुत ध्यान से देखते हैं या सुनते हैं और विभिन्न प्रकार की जानकारियां इससे लेते हैं। अच्छा, तो देवेश जी आप क्या कर रहे हो अभी? मैं अभी ग्रामीण बैंक में, सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक में ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट पर हूँ। अच्छा, हाँ, फरीदाबाद में? फरीदाबाद में। तो आप फरीदाबाद से ही हो या बाहर से? नहीं, मैं दिल्ली मयूर विहार का हूँ। अच्छा जी, वहाँ पे मेरा जन्म हुआ है, वैसे मेरे पापा वगैरह यूपी से हैं। अच्छा अच्छा, तो आप जॉब के सिलसिले में फरीदाबाद आए हो? जॉब के सिलसिले में। अच्छा, तो हम जानना चाहेंगे आपके जिंदगी के बारे में, कैसे आरपी ने आपकी जिंदगी के ऊपर असर डाला और आपकी लाइफ चेंज हुई। तो आप बताएंगे हमारे लिसनर्स को कि जब आपको आरपी नहीं था तब आपकी जिंदगी कैसी थी, आप कैसे जिंदगी को जी रहे थे उस वक्त? जब मेरे को आरपी नहीं थी तब मैं सारे काम किया करता था, जैसे कि खेलना, क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, सारे काम। अच्छा। मतलब नॉर्मल स्टाइल से किया करता था। मतलब आप क्रिकेट खेलते थे अच्छे से पूरा? हाँ, पूरा अच्छे से क्रिकेट। ये किस एज की बात है?
ये लगभग 10 साल की बात है। बिल्कुल नॉर्मल थे आप? हाँ बिल्कुल नॉर्मल था। कोई स्पेक्स नहीं था आपको, कुछ नहीं है? नहीं। अच्छा, दुकान थी किराने की, उसमें भी बैठता था पापा के साथ। अच्छा। और कहीं जाना आना होता तो कोई मतलब दिक्कत वाली बात नहीं थी, प्रिंट भी पड़ता था आराम से। अच्छा। कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद मैं आके धूप में लाल हो जाया करती थी। ये उस टाइम की बात है तभी? हाँ, लाल। अच्छा। हो जाया करती थी, पहले से ही लाल हो रही थी, बट मैंने सोचा कि एलर्जी है शायद किसी वजह से। अच्छा। एक बार क्या हुआ, मेरी मम्मी किसी बीमारी को लेके एडमिट हुई थी हॉस्पिटल में, दिल्ली के लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में। तो वहां पे मैंने कहा शायद आंखें लाल क्यों होती हैं, इसका चेकअप करा लो। अच्छा। तो चेकअप कराया तो फिर पता चला कि मेरे को थोड़ी पर्दे में दिक्कत है। अच्छा। लेकिन पता नहीं चला, समझ नहीं पाया ये है क्या, कि प्रॉब्लम क्या है। हाँ, इस तरह की प्रॉब्लम क्या है। डॉक्टर ने चश्मा बना के दे दिया और मैं चश्मे से ही अपना रूटीन में रहा। अच्छा, तो उसके बाद लाल नहीं हुई चश्मे के बाद? और हाँ, लाल के लिए उसने एलर्जी के लिए ड्रॉप लिखा था, वो डालता रहा। अच्छा। ठीक है। और बाकी स्कूल टाइम में भी मेरे को थोड़ी बहुत दिक्कतें फिर आने लगी। जैसे कि एक बार क्या हुआ, हम जा रहे थे पार्क के पास, बहुत सारे बंदर मिल गए। अच्छा। वो बंदर पैर के पास आके खड़ा हुआ था, मैं देख नहीं पाया उसे। मेरे साथ मेरा दोस्त था, देख के भाग लिया। अच्छा। है, मैंने बंदर को बाद में देखा और जब एकदम से पका गया मैं। हाँ। अब मैं देख के एकदम भागने लगा तो मेरा पैर नाली में चला गया और गिर गया बंदर मेरे ऊपर, मैं बंदर के नीचे। फिर मेरे को जोश आया और मैंने सारे बंदरों को फेंका और बाहर रोड में भाग गया। अच्छा, हाथों से फेंक दिया हमने बंदरों को? हाँ फेंक। अच्छा, ये किस एज की बात है? ये उस दिन मैं था सेवन्थ क्लास में था। बारह साल। अच्छा, कब की बात है। तो देवी जी, आपके साथ और कोई भी इंसिडेंस हुआ बचपन में? हाँ, आरपी को लेकर? हाँ, बचपन में एक बार मैं जैसे साइकिल चलाया करता था। किस एज में थे जब आप? जब 10-11 साल का हूँगा लगभग। अच्छा। हाँ। तो मैं साइकिल चलाया करता था, साइकिल कुत्ता एक बार सामने आ गया था, उसको चढ़ा दी थी मैंने। कुत्ते के ऊपर साइकिल चढ़ा दी? कुत्ते के ऊपर चढ़ा दी। वो चिल्लाया होगा बहुत? चिल्लाया, भग गया है। काटा नहीं उसने आपको? काटा नहीं, बस। मैं काफी लोगों का सुना है वो कुत्ते के ऊपर पैर रख देते हैं, कुत्ता पलट के काट जाता है उनको। नहीं, साइकिल पे थे ना, साइकिल पे थे इसलिए बच गए लगता है। ब्लाइंड को नहीं काटता कुत्ता। ब्लाइंड से डरता है? ब्लाइंड से डरता नहीं, दरअसल वो समझता है इसने जानबूझ के नहीं चढ़ाई। हाँ, ये कुत्ता समझदार है इसका मतलब। समझदार होता है कुत्ता। हाँ, दरअसल आरती में होता क्या है, आरती में जो कलर होता है ना, जैसे धूप के समय व्हाइट कलर कम दिखता है, तो अगर सफेद कुत्ता है तो वो धूप हो रही है तो वो नहीं दिखेगा। हाँ, कई बार जैसे बदरपुर पड़ा है तो वो सफेद हो जाता है, धूप में नहीं दिखता। तो इसी कारण से कुत्ते में कभी साइकिल घुस जाती थी, कभी बदरपुर में घुस जाती थी। तो यही प्रॉब्लम होती है आरपी में। आरपी में हम कह नहीं सकते कि कब क्या दिखेगा, कब क्या नहीं दिखेगा। हाँ, दिखने कुछ नहीं पता, चीटी दिख जाए। हाँ, को आती ना दिखे। हाँ, सही तो कहा आपने। मैं धूप के समय साइकिल चलाता नहीं था ज्यादातर, सुबह चलाता था, शाम को। ये कुत्ते वाला इंसिडेंस तो मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है। एक बार मैं भी धूप में चल रहा था और कुत्ता लेटा हुआ था सामने, मैंने उसको ऊपर ही पैर रख दिया। हाँ, जो आपने बताया ब्लाइंड को काटता नहीं है, वही मेरे साथ हुआ, मुझे काटा नहीं कुत्ते ने, उठ के दूर भाग गया। वो सफेद की दिक्कत। मैं शुक्र मना रहा हूँ कि शुक्र है तूने काटा नहीं। मैंने उसे माफी भी मांगी मन में, मुझे माफ करना, मैंने गलती से रखा है, मुझे दिखे नहीं आप। हाँ, ये चीज मैंने माफी भी मांगी। बहुत ज्यादा होता है, बेकार की बीमारी है जिसमें कुछ भी दिख जाता है, कुछ भी नहीं दिखता। जिसमें खुद को समझ नहीं आता कि हमें क्या दिख रहा है और क्या नहीं दिख रहा, क्या नहीं दिख रहा, ना हम किसी दूसरे को बता सकते हैं अपने बारे में। हाँ, जब खड़े होके देखो ना, तब और दूर से देखो तो मक्खी और चींटियां भी दिख जाएंगी। हाँ, तब, यार हमें तो सही दिखता है। हाँ, हमें तो हमारी आंखों में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। हाँ, तो वो चीज। और जब चलने लगोगे तब आपको कुछ नहीं दिखेगा? तब नहीं दिखेगा, तब जिस तरफ देख रहे हैं उस तरफ का तो दिख जाएगा। जैसे सामने देख रहे हैं सामने का दिखेगा, नीचे कुछ आ गया तो वो नहीं, वो नहीं दिखेगा। गड्ढा आ गया, गोबर आ गया, वो सब नहीं दिखेगा। तो यही सबसे बड़ी दुविधा है आरपी की। तो आपको कैसा फिर महसूस हुआ, ये क्या लगा आपको?
फिर बस धीरे धीरे धुंधला होने लगा चश्मा, भी चश्मे से भी इतनी क्लैरिटी नहीं थी, तो इसलिए मैंने चश्मा लगाना भी छोड़ दिया। अच्छा, फिर एक दो लोगों को के संपर्क में आया, ठीक है, तो उन्होंने मतलब जब बताया, मेरे को पता चला इस तरीके से कि मतलब इस तरह की बीमारी है, तो फिर मैं मैंने एम्स में दिखाया, एम्स में मेरे को क्लियरली बताया कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। अच्छा, एम्स में जाके आपको पता लगा कि आपको आरपी है? हाँ, आरपी है, और दिखाया तो फिर क्योंकि मन नहीं मानता है, बहुत अलग अलग हॉस्पिटलों में दिखाया, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, नेचुरलपैथिक, हर तरह से इलाज कराया, क्योंकि मन नहीं मानता बताने के बाद भी, लेकिन फिर भी कहीं से कोई रिस्पॉन्स अच्छा मिला नहीं। एम्स के डॉक्टरों ने तो साफ कह दिया कि भैया रिसर्च चल रही है, बाकी इसका अभी तक कोई निचोड़ नहीं। मतलब डॉक्टरों ने सबने मना कर दिया कि इसका कोई इलाज नहीं है, फिर भी मन नहीं मानता तो इधर उधर जाते हैं मेरा। हाँ, इधर उधर, हाँ, आयुर्वेदिक में, होम्योपैथी में, सब जगह नेचुरोपैथी वगैरह। हाँ, तो नतीजा तो वही रहा, कुछ भी नहीं हुआ कहीं पे भी? हाँ, कहीं पे भी कुछ, कोई इम्प्रूवमेंट कुछ नहीं मिला आपको? नहीं नहीं, बिल्कुल इम्प्रूवमेंट नहीं मिला। तो फिर मैं काफी डिप्रेशन में इसके कारण से चला गया, बहुत डिप्रेशन में चला गया। मैंने सोचा अब कुछ नहीं हो सकता जिंदगी का, अब तो खत्म। तो ये किस एज की बात है आपकी? ये लगभग 8th क्लास 9th क्लास के बाद मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। 9th से स्टार्ट, ज्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया आपको? हाँ। तभी आप डिप्रेशन में गए फिर पढ़ाई छोड़ने? हाँ, फिर मेरे को मतलब पढ़ाई छूटने के बाद कुछ आगे अंधकार में जीवन नजर आया, तो इस कारण से मैंने पढ़ाई छोड़ दी। और पढ़ाई छोड़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अब सब सब बेकार है, जिंदगी खत्म है, सब जिंदगी खत्म है। फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो खत्म है ही, क्यों ना अपनी तरफ से ही खत्म कर लें थोड़ा सा। अच्छा, फिर मैंने सुसाइड करने की भी कोशिश की, क्या कर ही ली। मैंने फांसी लगाई थी, मैंने कहा चलो करते हैं अब, ठीक है। तो उसके बाद फिर मेरे घर वाले मेरे को हॉस्पिटल वगैरह लेके गए, तो पुलिस वगैरह केस बना, तो काफी मेरे घर वालों को परेशान किया गया। तो फिर इस वजह से बात यहाँ तक पहुंच गई, इतना हो गया। हाँ, इतना हो गया, मैं शॉक्ड हो गया था ना। तो फिर हो जाता है, कोई भी हो जाता है, जब एकदम नॉर्मल लाइफ चल रही होती है, एकदम से आरपी आ गया, खुद को भी कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि आरपी का कोई लिमिटेशन तो है नहीं इसकी, आरपी की। क्योंकि एक इंसान के ख्वाब होते हैं ना कि आदमी, मैं एनसीसी में भी था और आगे सोचा था कि भाई आगे पढ़ूंगा तो और आगे एनसीसी में रहूंगा और आगे जाके पुलिस या फौज देखूंगा, वो सब तो पुलिस और फौज की तो बात दूर की बात है, चौकीदार की नौकरी नहीं मिली थी। तो मतलब आपका सपना था पुलिस में, फौज में, इनमें जाने का, आर्मी में, पुलिस में। हाँ, ये तो सपना देखे थे आप। हाँ, तो इसके वो तो बहुत दूर की बातें हो गई ना, वो तो बहुत दूर की सोच हो गई, मतलब आरपी के चक्कर में वो आपका सारा ड्रीम खत्म हो गया। हाँ, तभी आपको इतना शौक लगा कि आपने ये गलत कदम उठाया उस टाइम। हाँ, लेकिन फिर मैंने फिर बाद में सोचा यार मेरे घर वालों को इतना तंग किया गया, अरे मैंने दोबारा ऐसी हरकत की, हो सकता है किसी को फंसा लें, पुलिस वगैरह का काम तो होता है फंसाने का, फंसा लें और फिर मेरी वजह से और लोगों की जिंदगी खराब हो, या फिर दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि मैंने सुसाइड करने की कोशिश की और मैं बच गया, और अभी तो आंखों से हैंडीकैप, तो फिर हाथ पैर और टूट फट गया, तो फिर क्या, और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए, और ज्यादा प्रॉब्लम। फिर मैंने ये विचार दिमाग से निकाल दिया। फिर आपने अपनी जिंदगी को मतलब कैसे चेंज किया, टर्निंग पॉइंट क्या रहा आपकी जिंदगी का? एक दो साल में घर पे ही रहा थोड़ा सा, फिर मैंने, मेरे को यहाँ फरीदाबाद में एनएबी है, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, तो बट मैं और तो कुछ नहीं सीखना चाहता था, बस एक कंप्यूटर सीखने का शौक था मेरे को। तो उस टाइम मैं सिर्फ कंप्यूटर सीखने आया था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आने के बाद मैंने जब देखा और बहुत सारे ब्लाइंड हैं और जॉब भी लग रहे हैं, जॉब का तो मेरे मन में विचार था ही नहीं बिल्कुल भी। तो आपको उस टाइम अवेयरनेस नहीं थी ना ब्लाइंड क्या कर सकता है, आपको कुछ पता ही नहीं था ब्लाइंड फील्ड का? नहीं नहीं, तो वो सब आपको एनएबी में फरीदाबाद में आके पता लगा सब कुछ? हाँ, तो वो मैंने देखा था कि ब्लाइंड जॉब भी लग रही है, पहले तो एक आध लगता था, पता था थोड़ा बहुत ब्लाइंड फील्ड के बारे में, तो एक आध ही जॉब लग पाता था, वो भी बड़ी फिर जब यहाँ पे आया, चलो ब्लाइंड जॉब नहीं लगते, लेकिन मैंने देखा प्राइवेट
कंपनियों में भी अच्छी खासी कर रहे हैं और बहुत कर रहे हैं, तो उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा मन बनाया, विचार बनाया कि चलो भाई और कंप्यूटर सीखा जाए, टाइपिंग सीखी जाए। मैंने फिर उसके बाद टाइपिंग सीखी, फिर उसके बाद एडवांस कंप्यूटर सीखा सैम शक्ति फाउंडेशन रोनी में। अच्छा, फिर उसके बाद फिर मैंने, तब तक काफी लोग जॉब में कर चुके थे तो मैंने भी प्राइवेट जॉब पकड़ ली। पहले मैंने बीआरए में किया एक साल टाटा इंडिकॉम में, फिर उसके बाद एक साल मैंने एयरटेल में काम किया। अच्छा, तो उसके बाद मेरे, तब तक मेरे अंदर काफी अवेयरनेस आ चुकी थी कि मतलब काफी ब्लाइंड लोग। घर से बाहर निकले आप और अलग अलग कंपनियों में काम किया तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आया होगा ना। हाँ, और अपने जैसे लोगों से मिले आप एनएबी में। हाँ, तो आपके अंदर वो सारा डिप्रेशन चला गया होगा आपके अंदर से। हाँ, डिप्रेशन थोड़ा कम हो गया, बहुत कम हो गया, बल्कि कम गया। फिर आपने पढ़ाई कैसे स्टार्ट की दोबारा, आपने टेंथ नहीं की थी ना तब तक? हाँ, मैंने टेंथ के दिए, फिर ट्वेल्थ के दिए। किस एज में दिया आपने टेंथ का? फिर टेंथ का मैंने 20 साल की एज में दिया हुआ। 20 साल की एज में? हाँ। फिर ट्वेल्थ का दिया 2 साल बाद। अच्छा, मतलब सीबीएसई से किया मैंने। तो उसके बाद फिर मैंने नौकरी की कोशिश की बहुत, तो ग्रामीण बैंक में मेरा सिलेक्शन हो ही गया फाइनली। लास्ट ईयर ही हुआ है आपका सिलेक्शन? हाँ, 2019 में। वो लास्ट ईयर आपको एक और खुशी मिली हमने सुना है। हाँ, शादी भी हो गई। हाँ, आपकी शादी की बहुत बहुत बधाई हो आपको। हाँ जी, आपकी शादी की। तो अब कैसा चल रहा है आपका जीवन, अब कैसा लग रहा है? मतलब अब वो सोच के कि जब मैंने सुसाइड किया वो गलत किया? नहीं, वो तो खैर आदमी को एक शौक लगता है, कुछ पता नहीं होता। जैसे जिंदगी होती है ना, अंधकार में नजर आने लगती है तो आदमी क्या करे, जब रास्ता ना दिख रहा हो तो गलत विचार आ जाते हैं दिमाग में, तो गलत नेगेटिविटी आ जाती है दिमाग में। अब कोई आगे परेशानी मुझे ऐसी नजर नहीं आती है, क्योंकि नौकरी भी है ठीक है, और वाइफ भी है ठीक है, घर भी है, घर भी है, सब है जो जरूरत होती है, तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, लगती नहीं है। अब आरती से आपको इतनी तकलीफ नहीं है? मतलब आरती को मैं आरती के बारे में सोचता ही नहीं, ना ठीक होने के बारे में सोचता हूँ, ना ठीक होने के बारे में। हाँ, कभी खुश रह पाओगे? कभी खुश रह पाओ? अगर सोचोगे ये ठीक होगा तब मैं कुछ करूंगा तो आदमी खुश नहीं रह सकता। हाँ, क्योंकि आरती का कोई, हाँ लगा रहेगा उसी में, और आरपी का कोई इलाज है ही नहीं। आरपी का कोई इलाज है नहीं, और इसमें आदमी लगा रहेगा और लगने के चक्कर में वो और कुछ करेगा नहीं। हाँ, अपना टाइम वेस्ट करेगा, पैसा वेस्ट। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही मैं करता था, टाइम वेस्ट करता था कि कुछ और करना ही नहीं है मेरे को, तो मेरे को बस इसी में रहना है, मैं ठीक होके दम लूंगा। तो वो अपनी जिंदगी में और कामों पे फोकस नहीं कर पाता, वो अपनी जिंदगी को खड़ा नहीं कर पाता ना, सिर्फ इसी के बारे में सोचेगा तो हमेशा। हाँ हाँ, इसी के बारे में सोचेगा। पॉजिटिव थिंकिंग रखना अच्छी बात है कि ठीक होंगे, लेकिन लेकिन उसी पे अटक जाना, उसके अलावा कुछ करना ना, ही गलत हो जाता है ना। तो मैंने अब ठीक है, ठीक इलाज निकलता है तो वो भी कराएंगे। हाँ, लेकिन अभी इलाज नहीं निकलता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सब कुछ छोड़ देंगे, हम और काम भी करेंगे। हाँ, आजकल तो इतनी सारी टेक्नोलॉजी है, आप मोबाइल चलाओ, कंप्यूटर चलाओ, टेक्नोलॉजी का सहारा लो। हाँ, काम कर सकते हो। पहले मेरे को कंप्यूटर में बहुत इंटरेस्ट था, उसके बाद मैंने कंप्यूटर मन लगा के सीखा, उसके बाद मेरे को मोबाइल में बहुत इंटरेस्ट हो गया। मोबाइल को भी मैंने की जान से एक एक फंक्शन, जो मेरे ख्याल से अब नॉर्मल लोगों को भी नहीं आते ना, वो फंक्शन मैं कर सकता हूँ। आपने मोबाइल को बहुत ज्यादा एक्सप्लोर किया, उसके बारे में जाना। हाँ, एक जिस चीज में आदमी का शौक पड़ जाता है ना, उस चीज में आदमी आगे निकल ही जाता है। अगर आदमी, किसी भी इंसान ने सोच लिया कि ये काम मुझे करना है तो वो काम वो कर ही लेता है, बट वो ये सोचता रहे यार मुझे आरपी है, मैं कुछ नहीं कर सकता, जिंदगी अब झंड हो गई है, मतलब बेकार हो गई है, तो वो कुछ नहीं कर सकता। हाँ, नेगेटिव सोच के साथ आदमी आगे बढ़ नहीं सकता। जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए पॉजिटिव सोच चाहिए, जो आपने अपनाया एनएपी में जाकर, तो वहीं से आपकी जिंदगी बदली और आप यहाँ तक पहुंच पाए। अगर आप वहां ना जाते, घर से बाहर नहीं निकलते, तो आज आप, तो आज जहां आप हो वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। सही कह रहा हूं मैं? बिल्कुल सही। तो आज आप खुश हो अपनी जिंदगी से? बिल्कुल। हाँ, आरपी की कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं, जब आएगा आ जाएगा इलाज। जब आएगा तब आएगा। यही हौसला होना चाहिए सब में। मैं सभी को ये कहता हूँ, आरपी के इलाज के पीछे मत पड़ो,
जब आएगा इलाज, जब आपका इलाज हो जाएगा। अभी जो है उसी में खुश रहो और उसी को अपना के, आरपी को अपना के अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाओ। तो दोस्तों कैसा लगा आपको देवेश जी से मिलकर, इनकी जिंदगी के बारे में जानकर? इनसे आपको भी जरूर कुछ सीखने को मिलेगा, ताकि आप भी अपनी जिंदगी से निराश होकर कभी ऐसा गलत कदम ना उठाएं जैसा इन्होंने काफी साल पहले उठाया था। मेरा तो मकसद ही यही है कि आपको अवेयर करूं आरपी को लेकर, और आपको ऐसे लोगों से मिलवाऊं जिन्होंने आप ही की तरह आरपी के दुख झेले, ताकि आपके अंदर भी वही हौसला, वही जज्बा आए जिंदगी जीने का। तो दोस्तों आज अलविदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए जाबाज के साथ। लाइव गोज ऑन में ओनली ऑन रेडियो डन, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। जाती है तो जाने भाई, सुबह सुबह क्या करके डरा मत। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप जोशी, तारक मेहता खल्टा चश्मा का आपका प्यारा सा जेठालाल, और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radiouran.com। सब्सक्राइब आवर YouTube चैनल RADIO UDAAN। स्टे ट्यून्ड, कीप लिसनिंग रेडियो उड़ान। छुप के से आके तूने दिल में समा के तूने
छेड़ दिया कैसा ये फसाना, मुस्कुराना भी तुझी से सीखा है, दिल लगाने का तू ही तरीका है, एतबार भी तुझी से होता है, ना हो ना होश में मैं कभी, बाहों में है तेरी जिंदगी पर, है नहीं था पता के तुझे मान लो खुदा, कि तेरी गलियों में इस कदम आऊंगा हर पहर, सुन मेरे हम सफर, क्या तुझे इतनी सी भी खबर, तेरे लगते मर गए, क्यों नहीं करना थी।
नचदी नु बेद होवे लावा चंडू बाब सोनिए नच नच तक जगी बाह विच मेरी अज कर ले आराम सोनिए गोर गोर पैरा विच नचदी नु बेद होवे लावा चंडू बाब सोनिए नच नच तक जगी बाह विच मेरी अज कर ले आराम सोनिए चमका चमका मेरिया मैं चम चम करके चमका लावा चंडू बाम जी नच दे नच दे भैजन थमका चमका चमका मेरिया मैं चम चम करके चमका लावा चंडू बाम जी नच दे भैजन थमका मेरे ही चर्चे मेरिया ही गल्ला जग सारा कर दानी बार बार वे ये दुनिया पित्तल दी ये दुनिया पित्तल दी आशिक बनाया
क्यों ना जाए तू हो रे रसिया, खेलन क्यों ना जाए तू हो रे रसिया। पूछे है तो वे सारी गुड़िया कहाँ है बदरी की दुल्हनिया। गोली में तेरी मलू गुलाल, रंग बता ब्लू या लाल, एयर में तेरे उड़ते बाल, आजा रंग दू दोनों गाल। अरे सारा रा रा कबीरा सारा रा रा। बेबी के देखे झुमके, लगा दे चार ठुमके, छोरे नाचे जमके रे। यूपी में दिन दहाड़े, विंडो और छत पे ताड़े, हम देखे आंखें फाड़े रे। बेबी की रंग दी चोली है, अंग्रेजी में खट पिट में डमरी, बुरा न मानो होली है। रामा रामा गजब हो गया, तरस नजरिया लड़ गई, आई जवानी जुल्म हुई गवा, किस आफत में पड़ गई। सारा रा रा कबीरा सारा रा रा। रामा रामा गजब हो गया, तरस नजरिया लड़ गई, आई जवानी जुल्म हुई गवा, किस आफत में पड़ गई। हाय मैं मर गई, सूली पे चढ़ गई, नो 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 लेकिन हाँ कर गई, दिल तुझको सेंड में तो कर गई रे मैं बदरी की दुल्हनिया। तुझको बना करके ले जाएंगे हम बदरी की दुल्हनिया। के देखे झुमके, लगाते चार ठुमके, छोरे नाचे जमके रे। दे दी दे दी दिल चीज तुझे दे दी।
है तू, अभी भी मस्त है तू। वल्लाह वल्लाह अदाए वल्लाह वल्लाह, बड़ी ही सख्त है तू, अभी भी मस्त है तू। बार बार जो देखा दो दफा न सोचा, एक ही इशारे पे दिल चीज तुझे दे दी, 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 दिल चीज तुझे दे दी। I'm not afraid.
बातें हैं, उनसे भी प्यारी तेरी बातें हैं, बातों में तेरी जो खो जाते हैं। ना होना होश में मैं कभी, बाहों में है तेरी जिंदगी है। सुन मेरे हम सफर, क्या तुझे इतनी सी भी खबर। मैं पड़ा था कैसे जी रहा था मैं दीवाना, छुप के से आके तूने दिल में समा के तूने छेड़ दिया कैसा ये फसाना। मुस्कुराना भी तुझी से सीखा है, दिल लगाने का तू ही तरीका है। तुझे मान लो राखुदा कि तेरी गलियों में इस कदम आऊंगा हर पहर। सुन मेरे हम सफर, क्या तुझे इतनी सी भी खबर। हाँ जी, तेरे नाल तेरे नूडी करता के करते 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 नूडी करता के करते
Millennium.